नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मीज में। मैं रौनक चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीफोर्ड कंपनी के डर्मीफ्लोक्स और डर्मीफोर्ड क्रीम के बारे में। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये है लीफोर्ड कंपनी के प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी के हैं और इनका जो कंटेंट है वो दोनों का कंटेंट भी सेम है। तो ये है हमारे पास में 15 ग्राम और इन दोनों की MRP भी सेम है, वो भी 85 रुपीज़ है। वैसे तो ये प्रोडक्ट बैंड है सेल के लिए और इनको बैंड किया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो अगर इसके यूज़ देखें तो इसके यूज़ है स्किन इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में, डर्मेटाइटिस में, सोरोसिस, जॉक इच, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट और भी जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं सब में इनका यूज़ है और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर 5 कंटेंट है। पहला है किटोकोनाजोल, जो कि एक एंटी एंट्रोजन है और एंटी फंगल है, जो कि टीनिया, डेंड्रफ, डर्मेटाइटिस इन सब में यूज़ में आता है। जो डेंड्रफ के लिए जो शैम्पू आता है उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। दूसरा है नियोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, तो जो स्किन का जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा हाइड्रोक्लोर हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, जो कि एंटी फंगल है और एंटी प्रोटोजोअल है, तो जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करता है, जो प्रोटोजोआ के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करता है। और इसका काम करने का तरीका ये है कि ये इनिबिट करता है सर्टेन एंजाइम्स को जो कि DNA रेप्लिकेशन से रिलेटेड होते हैं। और इसका मेन साइड इफेक्ट ये है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है। अगर आप इसको ज़्यादा डोज में ले रहे हैं तो ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। उसके बाद में अगला है टोलनाफ्टेट, जो कि एक सिंथेटिक थायोकार्बामेट है और एंटी फंगल एजेंट है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका जॉक स्विच में, एथलीट्स फुट में और रिंगवॉर्म में। अगला है क्लोबिटासोल प्रोपाइनेट, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो कि एक्जेमा, डर्मेटाइटिस, सोरोसिस और सबसे मेन जो इचिंग की समस्या है, इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, इसके अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो हो सकता है अगर आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और अपन देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप इसको जब भी यूज़ करें अपने डॉक्टर की सलाह से करें कि आपको कितना इन्फेक्शन हुआ है, कितने समय से हुआ है, तो ये सब उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कब यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। तो अगर आप नॉर्मली देखना चाहें तो आप इसको रात में लगा सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये स्किन को थिन करता है, मतलब स्किन को पतला करता है। और जिस एरिया पर आप इसको लगा रहे हैं, हो सकता है आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस हो, इचिंग महसूस हो, रेडनेस महसूस हो, इतना कुछ हो सकता है। नॉर्मली वेरी करता है किसी व्यक्ति को हो या किसी को ना हो। तो ये अच्छा क्रीम है, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये था हमारा वीडियो डर्मीफोर्ड और डर्मीफ्लोक्स क्रीम के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।